ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसके लिए हम अंदर से राजी नहीं रहते हैं, लेकिन उस निर्णय से फायदा हमारा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पार्टनर से कुछ महीने दूर रहना ताकि अपने निजी काम में अच्छे से ध्यान लगा सको। मुझे पता है ऐसे डिसीजन ले पाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी खुदगर्ज बनना पड़ता है। इसको हम त्याग करना कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, कामयाब बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। जिंदगी के कुछ फैसले दिल पर पत्थर रखकर लेने पड़ते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, क्योंकि वे अपनी तरह अपने बच्चों को दुनिया के सामने जलील होता हुआ नहीं देख सकते। एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, खुद का ध्यान रखना कोई जुर्म नहीं है। जब जरूरत पड़े तब खुद का साथ देना। आपकी अच्छाई किसमें है ये आपको पता होना चाहिए। एक लड़का और एक लड़की कई सालों से रिलेशन में थे। हर दिन वे दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। लेकिन लड़का अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान था, क्योंकि अभी तक उस लड़के ने अपने सपनों को पूरा नहीं किया था। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत चाहिए थी, पर लड़के का ध्यान तो उस लड़की की तरफ ही रहता था। कैसे भी हिम्मत करके उस लड़के ने एक निर्णय लिया और उस लड़की को बताया कि अब से वो उससे बातें नहीं करेगा। पता नहीं कब तक, लेकिन अब वो अपने वक्त को अपने लिए यूज करेगा। लड़के को पता था कि ऐसा करके वो सामने वाले को हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि उसे खुश रखते रखते वो अपनी लाइफ खराब कर रहा था। उसने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, बस समझाया कि अब से कुछ महीने या कुछ साल तक वो उससे दूर रहना चाहता है। मेरे हिसाब से लड़के ने बहुत अच्छा किया कि वक्त रहते वो अपनी गलती समझ गया। आप भी समझ जाओ कि आप क्या गलती कर रहे हो और एक डिसीजन लो जिसमें आपका भला हो। देर करोगे तो देर हो जाएगी, इसलिए गलत को गलत कहो और एक सही डिसीजन लो। धन्यवाद।